अकादमी श्री तुलाराम जी, स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री जयकिशन शर्मा जी, देलर की तरफ से प्रायोजित की गई है। तो वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जिस स्कूल ने बाजी मारी है उस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंथल। टीचर आ जाएं, साथ में मैरिज सर्टिफिकेट। उसके बाद अगली गेम भूखो, जिसमें जो रनर अप रहे हैं वो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेरी बंगलो। बीपीओ साहब बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित करते हुए, और इस गेम में जो विनर रहे हैं वो है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल परसों। इनके कंटिजेंट इंचार्जेस पीटीआई डीपी साहिबान के साथ आए हैं। बीपीओ साहब को भी बहुत बहुत बधाई, उनकी पाठशाला के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। रनर अप रहे हैं बैडमिंटन में गवर्नमेंट हाई स्कूल बागचौसी। हमारी मेस कमेटी के लीडर अध्यक्ष सीनियर टीजीटी आदरणीय श्री संजय ठाकुर जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ मंच पे आए। आदरणीय श्री संजय ठाकुर जी, बैडमिंटन में जो विनर हैं वो वंस अगेन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसो। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के इन बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इनके सभी कोचिज साहिबान, टीचर साहिबान सब बधाई के पात्र हैं। उसके बाद जो अगली गेम थी चेस इंडोर गेम, इसमें जो टॉप 5 रैंक्स हैं वो मैं नाम ले रहा हूं। लक्ष्यवीर सूर्यवंशी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसो। जतिन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोरला। जतिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोरला, जतिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोरला। उसके बाद भूपेश ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काओ। भूपेश ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काओ। उसके बाद प्रवीण, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोरला। नित्यवीर सूर्यवंशी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसो। उसके बाद इन बच्चों को तैयारी करवाने वाले बहुत ही मेहनती हमारे शास्त्री जी श्री लोबाराम जी, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ मंच पे। उन्होंने इन बच्चों से काफी शानदार तैयारी करवाई है। शास्त्री श्री लोबाराम जी, उसके बाद अगला जो इवेंट था वोकल म्यूजिक का, उसमें जो रनर अप रहे हैं वो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समकोठी। और वोकल म्यूजिक में जो विनर रहे हैं वो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेपन। फोक डांस, और फोक डांस में जो रनर अप रहे हैं
वो है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसो। और इस इवेंट में फोक डांस में जो पहला स्थान अर्जित किया है विनर जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोमकोठी। हमारे शास्त्री जी जो बहुत मेहनती हैं और इन बच्चों को इन्होंने तैयार किया है तभी ये इतनी अच्छी शानदार प्रस्तुतियां दे पाए। जो दूसरे स्थान पे रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेपन, और डेक्लर कॉन्टेस्ट में जो विनर है रूट मॉडल पब्लिक स्कूल करसोग। मार्च पास में जो दूसरे स्थान पे रहे हैं वो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोमकोठी। और उसके बाद मार्च पास में जो विनर हैं जिन्होंने बड़ा शानदार मार्च पास प्रस्तुत किया वो है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग। करसोग स्कूल ने तो धूम मचा दी है। इतने दिन यहाँ पे जो बच्चे रहे हैं तो हमने उनका व्यवहार भी देखा है कौन सा स्कूल है जो बड़े अच्छे डिसिप्लिन में रहा है। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालक के बच्चे उन्होंने बहुत ही अच्छे व्यवहार का परिचय दिया है। ये बच्चे आगे आ जाएं और हमारे जो इस कार्यक्रम के सह सचिव हैं आदरणीय वरिष्ठ पीईटी श्री तुंगेश्वर दत्त शर्मा जी उनसे भी मेरी गुजारिश कि वो यहाँ मंच पे आए। सारे टूर्नामेंट के सह सचिव आदरणीय श्री तुंगेश्वर दत्त शर्मा जी से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ एक मिनट मंच पे आए, उन्हें भी हमारे मुख्य अतिथि जो है वो सम्मानित करना चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। ऑल अराउंड बेस्ट, जो सबसे बेस्ट जिसकी परफॉर्मेंस रही है सभी, चाहे खेल कूद गतिविधियां हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिस स्कूल ने पूरी तरह से धूम मचा दी है उस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग। तो करसोग स्कूल के प्रधानाचार्य उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयां जो बच्चों पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। जिन बच्चों ने प्राइज जीता उनको भी ढेर सारी बधाई, जिन्होंने नहीं जीता कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करके आए और अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों की रहेगी। एक मैं जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, आज आप सब लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट धाम बनी है आदरणीय मेहता जी और उनके सहयोगियों की तरफ से, तो उस धाम का आप जरूर आनंद उठाए। कोई सभी लोग जितने भी आए हैं तो